आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानयम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानयम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानयम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आपका अभिवादन करते हैं। वंस अगेन लेट अस ऑल बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्ड। फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके वचन को सीखने के लिए मौका दिया है। We are unworthy to read the word of God or study the word of God, but God has given this great privilege to study his word. हम परमेश्वर के वचन को सीखने और उसको पढ़ने के अयोग्य है, लेकिन परमेश्वर ने फिर एक बार हमें ये मौका दिया है अपने अनुग्रह से कि हम उसके वचन को पढ़े और सीखे। Now, let us turn once again to the book of Hebrews. आइए फिर एक बार हम इब्रानियों की पत्री को खोले, 11th chapter, अध्याय 11, and read 4th verse for our meditation. और आज के मनन के लिए हम वचन 4 पढ़ेंगे। It says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। Many people have so many questions about Abel and then Cain also. कई लोगों के पास केन के विषय में और हाबिल के विषय में प्रश्न हैं। Many people ask where from Cain's wife came. और केन की पत्नी कहाँ से आई, ये भी प्रश्न उनके मन में है। And then many ask where Abel would have gone to hell or heaven. और कई लोगों ने ये भी पूछा कि हाबिल कहाँ गया, स्वर्ग या नरक। If God willing, definitely we will take up those questions. यदि परमेश्वर ने चाहा तो निश्चित ही हम उन प्रश्नों को आगे सीखेंगे। Now this verse, next part says, और दूसरा भाग इस वचन का इस प्रकार कहता है, He obtained witness that he was righteous. और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। So God gave a witness about Abel. यहाँ पे परमेश्वर स्वयं हाबिल की गवाही देता है that he was righteous. कि वह धर्मी था। Beloved, God definitely looks at each person and gives witness. मेरे प्रियो, निश्चित ही परमेश्वर हम में से हर एक की ओर देखता है और हमारे विषय में गवाही देता है। About your sin and my sin. आपके पाप के बारे में, मेरे पाप के बारे में। God definitely gives a testimony and we need to be a people who are pleasing God. When we please God, definitely God will forgive us. परमेश्वर हमारी गवाही देता है और जब हम उस परमेश्वर को प्रसन्न
करने वाला जीवन जीते हैं तो निश्चित ही रूप से परमेश्वर हमें क्षमा करता है। And very few people got this testimony directly from God. और परमेश्वर की ओर से ऐसे कुछ ही लोग पाए गए जिनकी गवाही परमेश्वर ने दी। You know, may your life, my life be definitely testified by God. और आपका और मेरा जीवन होने दे कि निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा गवाही देने वाला हो। May God touch our lives and change our lives and give a good testimony about our lives. परमेश्वर हमारे जीवन को छुए, हमारे जीवन को बदले और हमारे जीवन की गवाही दे। And let us expect from God that He may change and turn our lives. आइए हम अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले और हमारे जीवन को उसकी दिशा की ओर मोड़े। So by which he obtained witness that he was righteous. और जिस प्रकार यह लिखा है कि उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। Then God testifying of his gifts. और साथ ही साथ परमेश्वर उसके भेंटों के विषय में भी गवाही देता है। And by it he being dead yet speaketh. और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। So, although he died, भले ही हाबिल मर चुका है, he is still speaking to each of us, to the church in the New Testament. लेकिन अभी भी वो आपसे, मुझसे और नए नियम की कलीसिया से बात कर रहा है। My life and your life. आपका जीवन और मेरा जीवन। We need to end with death or physical death. और निश्चित रूप से हम जो है एक दिन मरेंगे। But our testimony continues throughout generations. लेकिन हमारे जीवन की जो गवाही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चली जाएगी। What is the testimony you are going to leave in this world? आप इस संसार में रहते हुए अपने जीवन की कैसी गवाही छोड़कर जाना चाहते हैं? Here is a testimony. यहाँ पे ये गवाही है। By God himself. स्वयं परमेश्वर। That Abel was a righteous man. कि हाबिल एक धर्मी व्यक्ति था। And not only that. इतना ही नहीं। Abel was dead but still speaking. हाबिल की मृत्यु हो गई लेकिन उसके पश्चात वह हमसे बातें करता है। Your testimony is very important. आपकी गवाही सचमुच में एक मायने रखती है। Beloved, through your life, it is not a waste in this world. मेरे प्रियो होने दे कि आप अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए व्यर्थता में ना गुजारे। There is a meaning in our life. हमारे जीवन का एक अर्थ है। And last week I was talking to one person. और पिछले सप्ताह में एक व्यक्ति से बात कर रहा था। He was saying, I don't want to live in this world. वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। I want to finish my life. मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। I said, don't do that. मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना। Maybe you are in a miserable situation. हो सकता है कि तेरी परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो। Maybe your life is totally difficult and You are facing very difficult situation. सकता है कि तेरी परिस्थिति भयानक हो और बहुत ही भयानक परिस्थिति से तू गुजर रहा हो। But if you believe, he will definitely change your life and turn your life. लेकिन यदि तू उस पर विश्वास करेगा, वो निश्चित रीति से तेरे जीवन को बदल देगा। He said, at present, my stomach is burning. I didn't eat for several days. और उसने कहा कि ये परिस्थिति वर्तमान की ऐसी है कि मेरे पेट में आग हो रही है क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। And then I don't have even a 1 NP to spend and eat. और मेरे पास एक रुपए भी नहीं है कि जेब में से खर्च करके कुछ खा लूं। I told him I will not give you money. मैंने उससे कहा कि मैं तुझे पैसे तो नहीं दूंगा। Let us go together. आइए हम साथ में चले। Whatever you want, you eat. तू जो खाना चाहता है वो खा। And then I will pay for it. और उसके लिए मैं चुका दूंगा। I went there. हम गा गए। Beloved, he was satisfied. प्रियो, वो सचमुच में संतुष्ट हुआ। He found that he was equal in such situations. और उसने उस समय में ऐसी परिस्थिति में इस बात को पाया कि मैं अकेला नहीं हूँ। And he was definitely planning to finish his life, but he regained the strength again. भले वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, लेकिन उस मुलाकात के दौरान उसने फिर से अपने शरीर में ताकत और बल पाया। There are people who are struggling day and night. और
प्रत्येक रात और दिन ऐसे कई लोग हैं जो इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। There are people who want to end up their lives. और कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। God is definitely there, and you and we need to intervene and tell the gospel to them. लेकिन परमेश्वर निश्चित ही आपको और मुझको यहाँ पे रखा है ताकि हम उनके पास जाकर उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें। Don't have a opinion that everybody heard about Christ. और ये अपना दृष्टिकोण बिल्कुल भी ना रखे कि सभी ने मसीह के बारे में सुना है। In every situation, I need to be testifying. क्योंकि मुझे हर परिस्थिति में गवाह बनना है। You know, in Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की पुस्तक first में chapter, अध्याय एक में eighth verse, वचन आठ में Jesus as he is leaving this world, he gave a commandment to the disciples. और यीशु जब स्वर्गारोहण हो रहे थे तो जाने के पहले उन्होंने अपने चेलों को एक आज्ञा दी। It says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. और वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। And he shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Beloved, here he is saying that you will receive power, I will receive power, we will all receive power. यहाँ पे वचन कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, मैं सामर्थ पाऊंगा, हम सब सामर्थ पाएंगे। Many people interpret this verse as the Holy Spirit as a power. और कई लोग इस वचन को ऐसा अनुवादित करते हैं कि पवित्र आत्मा में सामर्थ है। No, no, it says, when the Holy Spirit comes upon you, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। When you receive power, जब तुम सामर्थ पाओगे, what you have to do? तब तुमको क्या करना है? You have to be my witnesses. तुम्हें मेरे गवाह होना होगा। We are not witnesses of great works of God. हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के गवाह होने के लिए नहीं बुलाए गए, बट लेकिन वी नीड टू बी विटनेसेस एवरीवेयर अनटू जीसस क्राइस्ट। लेकिन जहां कहीं भी हम जाए, हमने यीशु की गवाही जरूर देनी है। व्हाट जीसस हैज डन फॉर ह्यूमैनिटी, कि यीशु ने मनुष्य जाति के लिए क्या क्या कार्य किए। ही डाइड एंड बरीड, ही रोज अगेन थर्ड डे, एंड देन He is making way for heaven, and you and I need to prepare to go and meet him. यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वह स्वर्गारोहण हो गया और वो फिर से आने वाला है, इस ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। Where to witness? तो हमें गवाह गवाह बनना है। First we need to be witnesses right in Jerusalem. हमें यरूशलेम में सबसे पहले गवाह होना होगा। Wherever we are, जहाँ कहीं भी हम पाए जाते हैं, in our house, अपने घर में, to our neighbors, अपने पड़ोसियों के बीच में, we cannot avoid our house and neighbors. हम अपने घर और अपने पड़ोसियों को अनदेखा नहीं कर सकते। We need to be people of God right where we are. हम जहाँ कहीं भी हैं, हमने परमेश्वर के जन होके वहाँ पे होना है। Let your life be conspicuous, clear. And life of testimony right where we are. और जहाँ कहीं भी हम हैं, हमारा जीवन जो है बातें करना चाहिए गवाह के रूप में लोगों के बीच में। Not only in Jerusalem. केवल यरूशलेम में ही नहीं। It says Judea. यहूदिया में भी। Where is Judea? यहूदिया कहाँ है? Judea is the neighbor country of Jerusalem. और यरूशलेम के जो आजू बाजू के जो देश है वहाँ पे यहूदिया है। Then in Samaria. फिर वह कहता है समारिया में। Where is Samaria? Samaria कहाँ है? Samaria is in the northern Israel. और उत्तर इज़राइल में समारिया पाया जाता है। So little away from the southern Israel. और जो दक्षिणी इज़राइल है वहाँ से थोड़ा ही दूर। So whether it is north, south, or east or west, we need to be witnesses. चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, चाहे पश्चिम या पूर्व हो, हमें हर जगह यीशु के गवाह होना है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, we need to be witnesses to the uttermost parts of the earth. हमें दुनिया की छोर
तक भी गवाह बनना है। In any situation, हर एक परिस्थिति में। May God's grace be upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। You know, when I came out of my home 40 years ago, और 40 साल पहले जब मैं अपने घर से बाहर निकला था, I was not knowing much knowledge and I was not knowing Bible properly. और मुझे बाइबल का अच्छी रीति से कोई भी ज्ञान नहीं था। But went around praying and praying for the oppressed. और मैं जगह जगह जाता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, जो दुखी थे, दबे हुए थे, उनके लिए प्रार्थना किया करता था। Many families were blessed. और कई परिवार आशीषित हुए। Many lives were changed. कई लोगों के जीवन बदल गए। Wherever you may be. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। May God help us to be witnesses wherever we go. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जहाँ कहीं भी हम जाए, हम उसके गवाह बने। Whether it is a big city or small town. चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा सा गांव। We need to pray for each city. We need to pray for each town and we need to be witnesses wherever we go. हम हर एक शहर के लिए, हर एक गांव के लिए प्रार्थना करना है और जहाँ कहीं भी हम जाए, हमें गवाह बनना है। We need to tell our testimony everywhere. और हमने हर जगह पे जाके अपनी गवाही देनी है। Abel became a living testimony even now after his death. क्योंकि हाबिल अभी भी उसके मरने के पश्चात हम सब के लिए जीवित गवाह है। Today we need to express it to God saying, Lord, whether we die or whether we move, help us to be witnesses right where we are. हमें प्रभु से कहने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरी सहायता कर कि मैं तेरा गवाह बनूं. Help me to be a person who will go penetrate everywhere to tell about your love. प्रभु जी, मेरी सहायता कर कि जहां कहीं भी मैं जाऊं, प्रभु जी, वहां पे तेरे प्रेम को मैं बता सकूं. We are not doing any bad thing. हम कोई बुरे काम को नहीं कर रहे हैं. By telling good news, it is deliverance news which will be setting free the people and giving them deliverance. और सुसमाचार सुनाने के द्वारा हम लोगों की बुरी परिस्थितियों में उनके जीवन में छुटकारे का और उनके लिए हम आशीष का कारण होते हैं। May God's grace be upon each of us. हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। Help us to be witnesses for His glory. वो हमें सहायता करे कि हम उसकी महिमा के लिए गवाह बने। Here, witnesses in Greek is martyrs. और यूनानी भाषा में गवाह का जो अर्थ होता है वो होता है शहीद। That is becoming or sealing your testimony with your own blood. इसका अर्थ ये होता है कि तुम अपने गवाही को अपने लहू के द्वारा चिन्हित करते हो। No, when Cain fell on Abel. जब केन ने हाबिल के ऊपर बेप्रहार किया, Abel would have reacted and killed him again. हो सकता था कि हाबिल भी उसके ऊपर चढ़ जाता और उसको भी मार देता। But Abel was murdered and killed there. लेकिन अब देखते हैं कि हाबिल ही वहां पे उसकी हत्या हुई। So Abel became a living testimony there. और वहां पे हाबिल एक जीवित गवाही है। In any situation. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। Let us expect God's will to be finished. अपेक्षा करें कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। Let us say, Lord, it is not my will, but your will to be done. कहे प्रभु से, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूर्ण हो। We are waiting for your will to be established in my life. प्रभु, हम इसके लिए रुके हुए कि मेरे जीवन में केवल तेरी इच्छा पूरी हो। Any situation, Lord, it is you who are with me and you who are fulfilling and leading me for the victorious life. हर एक परिस्थिति में प्रभु तू ही तू हो प्रभु, और तू ही मेरे जीवन को परिपूर्ण कर, और तू ही मेरे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा कर ले। In every situation, help me to fulfill your will. हर एक परिस्थिति में प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने पाऊं। You know, in Jerusalem they were giving witness. और यरूशलेम में वे गवाही दे रहे थे। And then slowly they went to Judea. उसके बाद फिर वो यहूदिया की ओर आगे बढ़े। Then we read that in 8th chapter of Acts of the Apostles. फिर प्रेरितों के काम के अध्याय 8 में जब हम देखते हैं, verse 3 and 4. और 3 और 4 वचन. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and healing men and women, committed them to prison.
और जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तीतर बीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए और फिलिपुस सामरिया नगर में मसीह का प्रचार करने लगा। अगेन इन वर्स वन और वचन एक में इट सेज एंड सॉल कंसेंटिंग अनटू द डेथ एंड एट द टाइम देयर वाज अ ग्रेट पर्सिक्यूशन अगेंस्ट द चर्च व्हिच वाज इन जेरुसलेम एंड दे वर ऑल स्कैटर्ड अब्रॉड थ्रू आउट द रीजंस ऑफ जुडेया एंड समारिया एक्सेप्ट द अपोस्टल्स। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और पीड़ितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया देशों में तितर बितर हो गए। Beloved, they scattered abroad. वे जगह जगह तितर बितर हो गए। And then when the Lord sent a sword there, और फिर जब परमेश्वर ने वहां पे साउल को भेजा, disciples went to Jerusalem. तब जो चेले थे वो यरूशलेम वापस गए। Then they went to Judea and Samaria. फिर उसके बाद फिर यहूदिया भी गए और सामरिया में भी गए। And then surrounding places and spread the gospel. और अलग अलग स्थानों पे जाकर उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। And God's word was growing like anything. और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन फैलता गया और बढ़ता गया। You know, in verse 3, as for Saul. और शाउल, this is the name of Saul. ये शाउल का नाम है। In ninth chapter, Acts of the Apostles, और अध्याय नौ पीड़ितों के काम के, verse 4 says, और वचन चार कहता है, and he fell on the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecute thou me? और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है? You know, many people, कई लोग, they preach that Saul became Paul. वो ये प्रचार करते हैं कि जो शाउल था वो पौलुस बन गया। But beloved, Saul is the Hebrew form here. लेकिन प्रियो यहाँ पे इब्रानी का जो एक अर्थ है शाउल, जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। You know, Saul is never the old name of Paul. और यहाँ पे पॉल का पुराना नाम कोई शाउल नहीं था। दे वेर डिफरेंट नेम्स, दैट्स ऑल, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये शाउल इज हिब्रू लैंग्वेज। अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग नाम प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे शाउल इब्रानी भाषा में प्रस्तुत किया गया नाम है। सो मेनी बुक्स रिटर्न, और मैंने कई बुक किताबों में पढ़ा है, saying Saul became Paul and Saul was a sinner and Paul was a saint and all that. और इस प्रकार से उन किताबों में मैंने देखा कि उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि शाउल पापी था और पौलुस जो था पवित्र संत बन गया, इस प्रकार से। You know, Saul was a different name, but it is in different language, Hebrew language. और शाउल जो ये नाम है यह अलग भाषा में का एक नाम है। It is not changing and then it is not turning and changing the whole nature of Saul. और इससे ये साबित नहीं होता कि शाउल का पूरा जो स्वभाव है कि उसके नाम पॉल रखने से बदल गया। Beloved, प्रियो, it is where we need to correct our ignorance. यहाँ पे जो एक अनदेखी बात है हमने उसके ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है। When we don't know properly, let us keep quiet. Let us not repeat what others are saying. जब हमें परमेश्वर के वचन का अर्थ सही रीति से मालूम नहीं होता है उस समय में हमें शांत रहने की आवश्यकता है। दूसरा क्या उसका दृष्टिकोण रखता है उस पर हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। Saul, Saul is called by Jesus himself. और यीशु ने स्वयं इस नाम को पुकारा, शाउल, हे शाउल। And then Saul responded to Jesus, who are you, Jesus? और फिर शाउल ने यीशु को प्रत्युत्तर में कहा, हे यीशु तू कौन है? Saul's is a great light. और शाउल ने एक बड़े प्रकाश को देखा। He has not seen the person there. उसने वहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं देखा। And he is, that is why he is questioning, who are you? इसलिए वो वहाँ पे प्रश्न करता है कि तू कौन है? Later Jesus is answering. और फिर उसके बाद यीशु उसे उत्तर देता है, I am the one whom you are persecuting. मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे तू सताता है। Jesus
takes up the persecution of the disciples upon himself, and then he says, "You are not persecuting disciples, but me." यहाँ पे यीशु चेलों के ऊपर हुए सताव को अपने ऊपर लेकर कहता है कि तू चेलों को नहीं वरन मुझे ही सता रहा है। Then in verse 6, Saul is asking. और फिर छठे वचन में सॉल प्रश्न करता है। And he trembling and astonished. और वह पूरी रीति से बिल्कुल भयानक रीति से वह थरथराता गया। Now we don't see people trembling before God. हम आज नहीं देखते कि लोग परमेश्वर के सामने में थरथर कांपते हो। They think Jesus will come to their house immediately as soon as they call him. वे ऐसा विचार करते हैं कि जब भी वो यीशु को पुकारेंगे तुरंत यीशु उनके घर में आ जाएगा। They think as if Jesus has come and they were talking to each other. Yeah, वे ऐसा समझते हैं कि जैसे हम किसी से बात करते हैं वैसे यीशु भी आके हमारे साथ वैसे ही बात करेगा। Let us rever God and give complete reverence in the presence of God. लेकिन मेरे प्रियो हमें परमेश्वर का आदर करना है और उसकी उपस्थिति में थरथर कांपते हुए जाना है। Let us close our eyes. आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें। Let us look God in prayer. आइए हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। With a great tremble, let us pray unto God. और थरथर कांपते हुए प्रभु की ओर प्रार्थना में देखें। Father, we thank you for this day. पिता आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। May your grace continue to be upon each one who is listening to this voice. प्रभु आज तेरी वाणी को सुन रहे सब पर तेरा अनुग्रह लगातार बना रहे। हरेक को तू स्पर्श कर। Break every bondage in Jesus name. यीशु के नाम से सारे बंधनों को तोड़ डाल। Bind all the hindrances in Jesus name. हरेक रुकावट यीशु के नाम से तोड़ दे। Let every sin, let every trouble which is troubling them disappear right now. हर एक पाप और हर एक जो उलझन है उनके जीवन में है प्रभु जो उनको परेशान कर रही है उनके जीवन से गायब हो जाए हमेशा के लिए। Victory over every situation. हर एक परिस्थिति के ऊपर आप उन्हें जय दे प्रभु। Glorify your name. आपके नाम को महिमा मिले। In Jesus name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। Amen. 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 Hallelujah. प्रियो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानैम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानैम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानैम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।